नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मॉडरेशन इन रिग्रेशन। दोस्तों, रिग्रेशन को हम तीन तरीके से एनालिसिस के थ्रू समझ सकते हैं। पहला, मॉडरेशन इन रिग्रेशन विद SPSS, और इसके बाद जो है, एक तो हम इसको SPSS के साथ कर सकते हैं एनालिसिस। दूसरा है, हम इसे जो प्रोसेस मैक्रो है जो एंड्रयू हिस ने डेवलप किया है उसके थ्रू हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा, MOS के थ्रू हम मीडिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है SPSS के थ्रू मॉडरेशन इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रोसेस मैक्रो और MOS के थ्रू। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो ये मॉडरेशन है, ये है क्या, इसका मतलब क्या है और ये करता क्या है। बेसिकली मॉडरेशन एक ऐसा वेरिएबल है जो कि ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मॉडरेशन एक ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की जो रिलेशनशिप है, इसे या तो ये स्ट्रॉन्ग कर देता है या इसे ये वीक कर देता है। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर DV और IV के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब पी वैल्यू 0.05 से कम है, तो ये मॉडरेटर अपनी उपस्थिति में इनका जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उसको नॉन सिग्निफिकेंट कर सकता है, मतलब पी वैल्यू हमारी 0.05 से ज्यादा आएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जैसे लिखा भी है, मॉडरेटर वेरिएबल इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाला एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉडरेटर वेरिएबल इज मेजर टू स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, तो ये केवल इन्फ्लुएंस करेगा अपनी प्रेजेंस में। अगर मॉडरेटर वेरिएबल नहीं है तब इनकी रिलेशनशिप अलग हो सकती है, और अगर मॉडरेटर वेरिएबल इंक्लूड कर लिया तब इनकी रिलेशनशिप डिफरेंट हो सकती है। देखिए, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मॉडरेटर वेरिएबल यहाँ पर हमारा जो है जेंडर भी हो सकता है या कोई और कैटेगरिकल वेरिएबल भी हो सकता है। तो इसमें जो है टू टाइप्स के मॉडरेटर होंगे हमारे, जो मॉडरेशन वेरिएबल होंगे। देखिए दो, एक तो मॉडरेटर हो सकता है हमारा कैटेगरिकल, जैसे इसमें हमने यहाँ पर जो मॉडरेटर लिया है ये जेंडर हो सकता है, या रूरल अर्बन हो सकता है, या हाई और लो मोटिवेशन हो सकता है, या पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरिकल हमारा डेटा होना चाहिए, नॉमिनल स्केल का डेटा होना चाहिए। एक तो इस तरीके का हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जो मॉडरेटर है हमारा, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो, चूंकि इसमें अभी हमारे पास ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों मैट्रिक फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूस डेटा है, लेकिन मॉडरेटर हमारा ये वाला अभी ये कैटेगरिकल है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दोनों मैट्रिक वेरिएबल और जो मॉडरेटर है वो भी मैट्रिक वेरिएबल, मतलब तीनों के तीनों हमारे कॉन्टिन्यूस हो। तो अभी पहले वाले केस में तो हम कैटेगरिकल जो वेरिएबल है इसका एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा मॉडरेटर होगा वो मैट्रिक, मतलब रेशियो स्केल में या इंटरवल स्केल में जो डेटा कलेक्ट करना किया होगा हमने, उसके थ्रू करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैटेगरिकल जो हमारा मॉडरेटर है। तो इसमें जेंडर भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट मतलब जेंडर के साथ साथ हम इसमें हाई लो परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर भी देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी एज ए मॉडरेटर ले सकते हैं, मतलब तमाम तरीके के हमारे पास मॉडरेटर वेरिएबल हो सकते हैं। खैर, इसका डिस्कस हम सेकंड लेक्चर में करेंगे, कॉन्टिन्यूस मॉडरेटर। इसमें हमारे पास जो मॉडरेटर है वो मैट्रिक डेटा है, या इसे हम कॉन्टिन्यूस डेटा भी कहते हैं। अब ये देखिए, ये जो कैटेगरिकल मॉडरेटर है इसमें हमारे पास जो y इक्वल टू b0 + b1x, ये एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है ये, है ना, जिसे हम बाईवेरिएट रिग्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें टू ही वेरिएबल है, एक वाई और एक हमारा ये एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम कैटेगरिकल मॉडरेटर को पॉटर्स थ्योरी ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन के थ्रू समझेंगे। इसका जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा
तब इसका जो एनालिसिस है उसे समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक क्वार्टर्स थ्योरी ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन में ये एम्प्लॉय टर्नओवर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड है जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर। तो जनरली ये देखा गया है कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर ईयर कितने एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं। अगर एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जल्दी जल्दी जॉब छोड़कर जाते हैं। और जॉब क्यों छोड़ता है आदमी, हो सकता है वो सेटिस्फाइड ऑर्गेनाइजेशन से ना हो, इस वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा हो जाता है। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है अगर हम देखें कोरिलेशन जॉब सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय टर्नओवर में, तो इनमें नेगेटिव कोरिलेशन आएगा। मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है तो जॉब सेटिस्फेक्शन कम होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा। ये हमारा जॉब परफॉर्मेंस, इसलिए हमने कैटेगरिकल वेरिएबल लिया है। जॉब परफॉर्मेंस को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो वो एम्प्लॉय जिनकी जॉब परफॉर्मेंस लो है, दूसरे वो एम्प्लॉय जिनकी जॉब परफॉर्मेंस हाई है। तो लो और हाई जॉब परफॉर्मेंस से एम्प्लॉय टर्नओवर में क्या डिफरेंस आता है, यही हम देखते हैं कि ये जो जॉब परफॉर्मेंस एक मॉडरेटर है, ये अभी जो इनकी रिलेशनशिप है और जो परफॉर्मेंस मॉडरेटर को इंक्लूड करने के बाद इनकी रिलेशनशिप में क्या चेंज इसकी रिलेशनशिप को जो वीक करता है या स्ट्रॉन्ग करता है क्या होगा, वो हम इस जॉब परफॉर्मेंस के थ्रू हम देखेंगे। और ये परफॉर्म करना बड़ा आसान है, इसमें बेसिकली हम करेंगे क्या, जो एक तो लो जॉब परफॉर्मेंस जो मॉडरेटर हमने लिया है, जॉब परफॉर्मेंस को हमने किया कि लो जॉब परफॉर्मेंस और हाई जॉब परफॉर्मेंस, एक वो एम्प्लॉय है हमारे पास जिनकी जॉब परफॉर्मेंस लो है। ये देखिए हमने यहाँ पर लिया है एक छोटा सा केस स्टडी है जिसमें 6 एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस लो है और उनका जो एम्प्लॉय टर्नओवर है ये हमने इस तरीके से देखा है। दूसरे जो जॉब परफॉर्मेंस जिनकी हाई है उनका जो एम्प्लॉय टर्नओवर जॉब सेटिस्फेक्शन का स्कोर हमारे पास इस तरीके से। तो बेसिकली हमें करना क्या है, एक तो इसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज करना है और दूसरा जिनका जो परफॉर्मेंस हाई है इनका सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस यूज करना और दोनों को फिर जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आएंगे उनको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये जो कैटेगरिकल मॉडरेटर में दो तरीके से हम जो अपनी बायवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, एक बार तो जो जिनका लो जो परफॉर्मेंस है और एक बार जिनका हाई जॉब परफॉर्मेंस है। तो दो सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन होगी, एम्प्लॉय टर्नओवर डिपेंड ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो एक तो इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट आएगा यहाँ पर लो जॉब परफॉर्मेंस का, एक आएगा हाई जॉब परफॉर्मेंस का हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये बेसिकली हमारा क्या है, B1 है ना, यहाँ भी हमारा ये B1 होगा। अगर और ज्यादा वेरिएबल होते इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट B1 B2 B3 इस तरीके से होता, क्योंकि यहाँ पर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही लिया है तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमारा यहाँ पर B1 होगा। ठीक है, ये हमारी जो है एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन होगी, बायवेरिएट है ये, केवल दो ही वेरिएबल है जॉब सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर। अच्छा, अब देखिए इसका डेटा हमने समझ लिया है, अब सिंपली हमें करना क्या है, एक तो हम कंपेयर कर सकते हैं इसको, लेकिन इसे कंपेयर करने से पहले इसकी थ्योरी तो समझ ले कि ये अगर मॉडरेटर ना हो तब क्या रिलेशनशिप होगी, मॉडरेटर हो तब क्या रिलेशनशिप होगी। ये देखिए तो इस तरीके से हमने इसको कोशिश की है समझने की, एक तो हम जो ओवरऑल मतलब 12 के 12 सैंपल को हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू परफॉर्म करें, मतलब जब मॉडरेटर नहीं है तब हमारा वैल्यू क्या आएगी, सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट। फिर एक बार जो हमने क्या किया है इसमें इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाया, मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर डिपेंड ऑन जॉब परफॉर्मेंस हाई और लो। ये देखिए ये जब हमने यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय टर्नओवर, एक तो रिलेशनशिप सिंपली आ गई बायवेरिएट, ठीक है, दूसरा जॉब परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय टर्नओवर, चूंकि कैटेगरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगेगा जॉब परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय टर्नओवर के लिए, कि मतलब अगर लो परफॉर्मेंस है जिनकी उनका एम्प्लॉय टर्नओवर और हाई परफॉर्मेंस उनका एम्प्लॉय टर्नओवर में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। एक तीसरी कंडीशन और बन जाती है, वो है हमारी
एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, मतलब ये इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन तो हमारा जो मेट्रिक वेरिएबल है ये कोवेरिएट का काम करेगा, और ये हमारा जो है कैटेगरिकल वेरिएबल है जो परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो ये तो मेट्रिक है और ये नॉन मेट्रिक है, ये एनकोवा। तो पहले हम सिंपली देख लें कि जो डेटा का नेचर जो है वो है क्या, डेटा हमें बता क्या रहा है, और उसके बाद फाइनली फिर हम अपना जो ये लो जॉब परफॉर्मेंस और हाई जॉब परफॉर्मेंस पर हम इसको परफॉर्म करेंगे जो हमारा मॉडल है ये, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन देखते हैं उसके रिजल्ट क्या क्या रहे हैं। ये हमने एनालाइज किया रिग्रेशन, और रिग्रेशन के बाद ये लीनियर आ गया। यहां पर बाईवेरिएट देखिए, एम्प्लॉय टर्नओवर डिपेंडेंट वेरिएबल, जॉब सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड और इसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें इसका जो रिजल्ट है वो चेक करना है कि क्या वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है इसके ऊपर या नहीं। तो ये देखिए सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, बट जो कोरिलेशन है इनके बीच में वो कोरिलेशन हमारा जो आ रहा है नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 0.142 और जो रिग्रेशन कॉफिशियंट है ये आ रहा -0.648। ये देखिए -0.648 आ रहा है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस पॉइंट मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन कम होता है वैसे वैसे एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होता है, और जैसे जैसे एम्प्लॉय टर्नओवर या जॉब सेटिस्फेक्शन कम होगा एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होगा, या जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर कम, मतलब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। चलिए इसको जरा हम एक ग्राफ के थ्रू भी समझ लें कि ये नेगेटिव, चूंकि इसने तो बता दिया नेगेटिव है रिलेशनशिप, अब हम ग्राफ के थ्रू भी देखें। जो स्कैटर डायग्राम में हम लोग यहाँ पर जाते हैं, और ये सिंपली हमने एम्प्लॉय टर्नओवर और जॉब सेटिस्फेक्शन के बीच में स्कैटर डायग्राम हमने बनाया, और ये एम्प्लॉय टर्नओवर क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये वाई एक्सिस पे जाएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये एक्स एक्सिस पर जाएगा, और इसको हमने करके ये ग्राफ बनाया, और ग्राफ में हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। देखिए इसको डबल क्लिक कर लें, तो डबल क्लिक करने के बाद ये जो फिट लाइन है टोटल, इसमें हमें ये रिलेशनशिप बता देगा। ये देखिए, तो ये जैसा हमारा रिजल्ट ने भी अभी बताया कि जो रिलेशनशिप है हमारी वो नेगेटिव, ये देखिए नेगेटिव जो रिग्रेशन कॉफिशियंट है नेगेटिव, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है बिटवीन एम्प्लॉय टर्नओवर एंड जॉब सेटिस्फेक्शन के बीच में। देखिए जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ पर हमारा कम है तो एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा आ गया, जैसे जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है एम्प्लॉय टर्नओवर कम है। इसका मतलब है कि जो ज्यादा सेटिस्फाइड लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को कम छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक तो रिलेशनशिप हमने इसके साथ देख लिया। दूसरा हम बात कर रहे थे कि जो ये वाई इंडिपेंडेंट, जो लो परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय टर्नओवर में भी कोई ऐसा रिलेशनशिप है या नहीं, तो ये देखिए कंपेरेटिव, कंपेयर मींस में गए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। जो परफॉर्मेंस जो है हमारा ये जो वेरिएबल है कैटेगरिकल है, और इसको जीरो और वन हमने दिया है, तो यहाँ पर हमने कोडिंग की जीरो और ये वन आ गया, ठीक है। और ये कंटिन्यू करने के बाद एम्प्लॉय टर्नओवर जो हमारा ये इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय टर्नओवर डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये देखिए इस तरीके से। अब अभी हमने जॉब सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय टर्नओवर में देखा है तो कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं रही, लेकिन जॉब परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एम्प्लॉय टर्नओवर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अभी हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के थ्रू चेक करेंगे। इसको हमने ओके किया, तो ये भी हमारा जो आ रहा है यहाँ इसको इंटरप्रेट करेंगे कि तीन जो चीजें हैं यहाँ पर, ये चूंकि अगर ये डेटा हमारा होमोजीनियस है तब तो हम इसी वाली रो को करते हैं, अगर ये होमोजीनियस नहीं होता तब हम इस वाले नीचे वाले रो में जो इंटरप्रिटेशन है उसको हम करते हैं। तो ये देखिए 0.147 नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो एक तो चीज हमें यहाँ पर जो दिखाई दी है कि जब हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाया तो ये हमारा नॉन
सिग्निफिकेंट आ रहा था, नॉन सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये हमारी जो है पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, 0.0 नो सिग्निफिकेंट, चलिए नो सिग्निफिकेंट, बिकॉज इसमें जो पी वैल्यू है हमारी, ये देखिए पहले वाले केस में हम भी हम देखते हैं पी वैल्यू हमारी क्या आई थी, पी वैल्यू है 0.142, ठीक है ना। तो ये देखिए पॉइंट जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू है पॉइंट, चलिए इसको इक्वल टू करके 0.142। अब सेकंड केस में देखिए इंडिपेंडेंट में हमारी वैल्यू क्या रही है, नो सिग्निफिकेंट, और ये वाला देखें अभी हमने देखा था इसमें भी नो सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन हमने किया था इस रिजल्ट का। ये देखिए ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का ये है 0.147, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये भी हमारा 0.147, मतलब दोनों की दोनों पी वैल्यू हमारी इससे ज्यादा आ रही है। अब तीसरा रिजल्ट हम एनकोवा के थ्रू भी डेटा को समझ लें। एनकोवा जो बेसिकली हमारा जैसे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में क्या होगा, ये तो कैटेगरिकल है, जब इसमें एक मैट्रिक वेरिएबल हम और ऐड कर देते हैं तो फिर हमारा जो टेस्ट होगा वो एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस होगा, ठीक है। इसको देखिए परफॉर्म करने के लिए एनालिसिस, और ये आ गया हमारा जनरल लीनियर मॉडल यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट में एम्प्लॉय टर्नओवर डिपेंडेंट वेरिएबल, जॉब परफॉर्मेंस फिक्स्ड, और जॉब सेटिस्फेक्शन हमारा कोवेरिएट की तरह काम करेगा, और इसमें हमने इसको ओके किया। तो ये देखिए तो जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब परफॉर्मेंस दोनों के दोनों इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट, पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, तो ये भी हम इसको भी यहाँ पे कह सकते हैं ये भी हमारा जो है नॉट सिग्निफिकेंट आ रहा है दोनों वेरिएबल को जब हमने एक साथ लिया, ठीक है। तो ये आ गया 0.076, और जो दूसरे वेरिएबल के लिए हमारा था पॉइंट, जो पी वैल्यू है 0.076, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने डेटा का नेचर समझ लिया कि तीनों में अभी नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है, नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक, अभी जो डेटा को। अब हम ये देखना चाहते हैं जब ये मॉडरेटर का यूज हम करेंगे तो क्या मॉडरेटर की वजह से जो भी नॉन सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है क्या ये चेंज हो जाएगा या नहीं, बस ये हम देखना चाहते हैं। अगर ये चेंज कर देता है इस रिलेशनशिप को, नो सिग्निफिकेंट को सिग्निफिकेंट कर देता है, तब हम कहेंगे कि हमारा जो ये जो परफॉर्मेंस जो है लो जो परफॉर्मेंस या हाई जो परफॉर्मेंस में मॉडरेटर ने काम किया, ठीक। अब इसको एनालिसिस करते हैं। ये देखिए इसको एनालिसिस करने से पहले दोस्तों हमें दो बार रिग्रेशन लेनी है, लेकिन इसके लिए हमें इस पूरे डेटा को ना स्प्लिट करना पड़ेगा, फाइल को स्प्लिट करेंगे हम टू पार्ट्स में, क्योंकि हम एक साथ ही दोनों का सिंपल लीनियर रिग्रेशन निकालेंगे, एक तो इस ग्रुप के लिए और दूसरा दूसरे ग्रुप के लिए। तो उसके लिए फाइल स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए डेटा में गए हम लोग और स्प्लिट फाइल, और स्प्लिट फाइल में हमने जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये अपनी स्प्लिट फाइल किया, और देखिए स्प्लिट फाइल करने के बाद हमने इसको ओके किया। तो ये देखिए यहाँ पर जो फाइल है हमारे पास वो स्प्लिट होकर आ गई, यहाँ पे लिखा है स्प्लिट बाय जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर फाइल हमारी स्प्लिट हो गई। अब हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाना है बस, और उसके बाद देखेंगे कि क्या मॉडरेटर ने काम किया या नहीं किया। देखिए ये हमारा बाय डिफॉल्ट था ही, तो अब ये अलग अलग दे देगा एम्प्लॉय टर्नओवर एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, ये ओके होकर आ गया। देखिए इसमें हमारे पास जो है जो मेन रिजल्ट आया, पहला वाला जिनका लो परफॉर्मेंस है, जॉब जिनका लो परफॉर्मेंस है मतलब जो लोग कम अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वो तो जो और उनका जो एम्प्लॉय टर्नओवर है इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और जो लोग हाई जॉब परफॉर्मेंस जिसका होता है और जॉब सेटिस्फेक्शन में जिनका जॉब सेटिस्फेक्शन हाई है तो उनका एम्प्लॉय टर्नओवर यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इंटरप्रिटेशन होगा जिनका जॉब परफॉर्मेंस लो है, ये देखिए इस तरीके से ये जिनका जो परफॉर्मेंस लो है वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर
जाना चाहते हैं, मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब लो जो लो जॉब सेटिस्फेक्शन वाले जो लोग हैं, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब परफॉर्मेंस जिनकी कम है वो जो है जिनकी कम है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाना चाहते हैं, और जिनका जॉब सेटिस्फेक्शन और ये जो जॉब परफॉर्मेंस हाई है वो एम्प्लॉई टर्नओवर उनका कम है, मतलब जॉब छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। ये देखिए, अब मैं इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से कर सकता हूँ। ये देखिए, इसमें तो आगे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। दूसरा, अब ये जो लो परफॉर्मेंस के लिए और हाई परफॉर्मेंस के लिए, क्या ये दोनों का डिफरेंस को हम सिग्निफिकेंट मान ले या नहीं? जैसे ये आया है, ठीक है, अब इसमें तो जो था जिनका जो लो जो परफॉर्मेंस है ये तो आ गया हमारा सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट आ गया। चलिए देखिए, इसको तो हम यहाँ पे जरा लिख भी लें, ये सिग्निफिकेंट है और जो पी वैल्यू है हमारी वो 0.05 से कम है। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो लिखा है इसको सिग्निफिकेंट एंड पी वैल्यू 0.027 और दूसरे की 0.027, ठीक है। अब ये जो है सिग्निफिकेंट है किस केस के लिए, ये है हमारा लो जो परफॉर्मेंस। अब हाई जो परफॉर्मेंस के लिए जो है हमारा, जिनका हाई जो परफॉर्मेंस है उसके लिए हमें ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है नॉन सिग्निफिकेंट, नो सिग्निफिकेंट बिकॉज पी वैल्यू 0.076, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसमें, कि क्या इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है इनके जो स्लोप में, ठीक है ना, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। स्लोप का मतलब मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जो ये हमारा जो बीटा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये हमारा रो फॉर्म में है, तो ये -0.1540 और -0.124 जो आया है हाई और लो के लिए, क्या ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। मतलब हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक कैलकुलेटर है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, फ्री जो सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ कैलकुलेटर, और ये ऑनलाइन हम करते हैं, इसमें जो है हमने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और सर्च किया तो ये ओपन होकर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये आ गया फ्री सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू स्लोप्स कैलकुलेटर। ये जब हमने किया तो इसमें हमें तीन चीजें पता चलनी चाहिए, याद रहना चाहिए, कि एक तो सैंपल साइज हमारा क्या, हमने तो 6-6 का लिया है, फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है वो हमें मालूम है, और एक स्टैंडर्ड एरर ये भी मालूम है। तो तीनों चीजें तो हमें मालूम है इसमें, देखिएगा ये स्टैंडर्ड ये तो हमारा है लो जो परफॉर्मेंस वालों के लिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट ये स्टैंडर्ड एरर, सैंपल साइज 6 ऐसे इसके लिए, तो ये 6 वैल्यू हमको चाहिए, मतलब तीन वैल्यू तो जो जिनका लो जो परफॉर्मेंस था उनकी, और तीन हमें जिनका जो परफॉर्मेंस ज्यादा है वो। अब ये जो वैल्यू है ये हम इस कैलकुलेटर में हम सैंपल साइज जो हमारा है इसमें 6 का है सैंपल साइज, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम अपने आप, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, और इसमें जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है -1.50, एक बार चेक कर लें, वही है, एक मिनट, इसमें जो हमारा है -0.1540, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम 540 कर लेते हैं, 40। दूसरी लाइन का जो हमारा स्लोप है इसका हम देखें तो वो है हमारा 0.124 माइनस में 0.124, ये देखिए, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया इसमें, और ये देखिए -0.124, और दूसरी वैल्यू ये वाली लेनी है हमें स्टैंडर्ड एरर की, 0.449 और 0.379,
फोर फोर नाइन और इसकी थी पॉइंट, फिर से एक बार देख लेते हैं, 0.379, ठीक है, ये हमने लिया 0.379, ठीक। अभी कैलकुलेट करके हमें वैल्यू दे देगा, ये ऑनलाइन कैलकुलेटर है, तो इससे हमारे पास जो डिफरेंस है इनका वो आ जाएगा। ये देखिए सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, तो ये देखिए टी वैल्यू जो है हमारी वो आ रही है 208, ये ठीक, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना आ गया, और पी वैल्यू हमारी देखिए 0.05 से कम है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो मॉडरेटर ने एक जो परफॉर्मेंस वाला जो है मॉडरेटर ने उसने काम किया, क्योंकि पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम है, ये देखिए ठीक है, ये हमारी टी वैल्यू। नमस्कार दोस्तों, हम अगला लेक्चर इसके बाद लेंगे। थैंक यू वेरी मच।